लीजिए सर, सर 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 ये क्या कर रहे हैं सर, सर मुझे मत मारिए सर। ए, इसे उठा के साइड में फेंको और गाड़ी में बैठ जाओ, कम ऑन क्विक। अब तुम्हें एक मिनट भी यहां नहीं रुकना है, जल्दी से अपने गांव चले जाओ, जब मैं बोलूंगा तभी वापस आना। इस बीच कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करेगा। ओके सर। हमने शहर में एक के बाद एक दो खून कर दिए, इसे लेकर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। यही हमारे लिए भी अच्छा होगा और हम लोग भविष्य में जो प्लान बनाने वाले हैं उसके लिए भी अच्छा होगा। ऐसे क्या सोच रहे हो तुम लोग? हम लोगों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है सर, जो शुरू किया है उसे खत्म करेंगे। हाँ सर, आधा अधूरा काम करने में मजा नहीं आ रहा सर। हम लोग एक बार गांव गए और वापस नहीं आ सके तो? दिमाग खराब है तुम्हारा? एक बार में समझ में नहीं आता? तुम्हें पता है ना आज के अखबार के हेडलाइन क्या है? कल केदार को मारा, आज पट्टा परमन, और कल कौन? यही ना? जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा ही दुश्मन भी सोच रहा होगा, डिपार्टमेंट भी सोच रहा होगा। इसीलिए कह रहा हूं ये मैटर कुछ दिन के लिए बंद करते हैं और तुम लोग जाकर गांव में शांति से रहो, यही ठीक रहेगा। 250 रुपया भाई, बहुत ज्यादा ले रहे हो आप। अरे आजकल गैस का भाव इतना बढ़ गया है तो लेना पड़ रहा है। मुझे लगता है। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ करुणा कौन है? मैं ही करुणा हूँ, क्या बात है बोलिए। हम लोग मदुरई से आए हैं। मदुरई से आ रहे हैं? विजय सर ने भेजा है क्या आपको? हाँ हाँ सर। ए, पारो, क्या है भैया? इन लोगों को विजय सर ने भेजा है, इनकी देखभाल हमें ही करनी है। नीचे आओ। रुको, आती हूँ। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, इनको इनका रूम दिखा दो। ये रहा आप लोगों का घर, आप लोग यही रहेंगे। नहा धो के जल्दी तैयार हो जाओ। जाओ। अच्छा, विजय सर को आप कैसे जानती हो? अरे वो पूछ रहा है ना, विजय सर को आप कैसे जानती हो? रायपुर में एक प्रॉब्लम हो गई थी, तभी पुलिस वालों ने मेरे भाई को पकड़ लिया था। वो पुलिस वाले मेरे भाई को मार देना चाहते थे, तभी मैंने विजय सर से बात की, उन्हें अपने घर के सारे हालात बताए। मेरा भाई एक गुंडा था रायपुर में, उसको देख के सब डरते थे। विजय सर ने मेरे भाई को पूरी तरह बदल दिया, अगर वो नहीं होते तो पुलिस वाले मेरे भाई को मार देते। ये जो गोडाउन आप लोग देख रहे हैं वो विजय सर ने दिया है, मेरे लिए तो वो बड़े भाई जैसे हैं। चलो चलते हैं। आपके भाई नहीं दिख रहे हैं। कुछ सामान लेने गए होंगे, उनका नेचर ही ऐसा है, कुछ काम में उलझ गए होंगे। अभी देखो आप लोगों को यहाँ बुला के कहीं और चले गए, कभी कभी तो मैं भी उनसे नहीं मिल पाती। ये लीजिए गाड़ी की चाबी। एक मिनट, ये जगह आपके गांव की तरह नहीं है, थोड़ा संभल के रहना। हाँ ठीक है। कब आए? आज सुबह ही आए हैं सर। तुम जहां रहते हो वहां व्यवस्थाएं कम हैं, लेकिन वही सेफ जगह है। हमें किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, काम पूरा होना चाहिए, बस यही सर। तुम्हारी जल्दबाजी समझ में आती है, हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो सुबह से रात तक के बीच खत्म होने वाला मामूली काम नहीं है। कुरुक्षेत्र का लफड़ा, महाभारत का युद्ध, इसमें हमें लड़ना भी है लेकिन दिमाग से। सेना के पास हथियार थे लेकिन कृष्ण के पास दिमाग, इसीलिए वो युद्ध में जीता। उसी तरह हमें भी ये लड़ाई जीतनी है और इसके लिए हमें कुछ त्याग करने पड़ेंगे। मैं जान देने की बात नहीं कर रहा, तुम लोग अपने घर वालों और दोस्तों को
छोड़कर आए हो वो भी एक तरह का त्याग ही है। हम हर चीज के लिए रेडी होकर आए हैं। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अब जो पहला टारगेट है वो है केदार। सर उसका नाम केदार है क्या? वो जिसका नाम केदार है उसके रास्ते में जो भी आता है उसे प्लान करके मार डालता है, इसलिए आज तक कभी उसने मात नहीं खाई। जल्दी उसका काम तमाम करना पड़ेगा। उसका काम तमाम करने से पहले हम उसे ढूंढ तो लें। हम लोग उसे कैसे ढूंढेंगे सर? वो कहां रहता है, किससे मिलता है, ये सब जानना हमारे बस की बात नहीं है। केदार कहां पर रहता है ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को पता है। सो उसे अगर बाहर निकालना है तो सिर्फ जेडी ही निकाल सकता है। कुछ समझे नहीं सर। तो अब हमें सबसे पहला काम जो करना है वो है प्रेस वालों को उठाना। ठीक 11 बजे उसकी गाड़ी सिटी फ्लाईओवर को क्रॉस करती है। कौन है ये? इतनी रात को रास्ते में सोया है? हेलो, क्या हुआ? ए, चिल्ला मत। ए, ज्यादा चिल्ला मत, गला काट दूंगा। तुम मुझे नहीं जानते। आओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? फटाफट आओ, चलो चलो, चल। अरे ले चल उसको। चुपचाप बैठ, रुको। चल, चिल्ला मत, छोड़ मुझे। चल ले बाहर आ। ए, नीचे उतर। चल, नीचे उतर। चल जल्दी। कौन हो तुम लोग? मुझे किडनैप करके क्यों लाए हो? मेरा और तुम्हारा संबंध क्या है? मैं कौन हूं पता तुम्हें? पता है, इसीलिए तो तुम्हें किडनैप किया है। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? सुनो, सबसे बड़ा दादा केदार को किन्हीं अनजान व्यक्तियों ने मार दिया है। ये खबर सुबह तेरे पेपर की हेडलाइंस में छपनी चाहिए। hey, मेरा अखबार किसी से नहीं डरता। मेरी फैमिली की आखिरी सांस भी बंद हो जाए फिर भी झूठ नहीं छपेगा। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। सर, अब मैं किसकी आवाज में बात करूं? वो जो प्रेस वाला है ना गुरुमूर्ति, उसकी आवाज में बात करना है। हाँ सर, एक बार और सुना दोगे तो मैं कर दूंगा। हाँ, मेरी बोटी बोटी भी कर दोगे तो भी मैं झूठी खबर नहीं छापूंगा। मैं प्रेस वाला हूँ, किसी से नहीं डरता। मेरी फैमिली की आखिरी सांस भी चली जाए तो भी मैं झूठी खबर नहीं छापूंगा। नमस्कार सर, मैं पत्रकार ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैं एडिटर गुरु मूर्ति बोल रहा हूँ। अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखो। बोलिए सर। शहर का सबसे बड़ा दादा केदार, उसकी किसी ने हत्या कर दी। क्या? हाँ बिल्कुल, कल के न्यूज़पेपर में यह खबर टॉप पे होनी चाहिए। ओके सर। सर, एक बार सुनते ही तुमने उसकी आवाज में बात कर ली। थैंक यू सर। एक्सीलेंट। कितने सालों से सिनेमा में? सर, मैं सिनेमा में 30 साल से हूँ। मैंने बहुत सारे एक्टरों की मिमिक्री की है। क्या बात है, मैंने आपके टैलेंट का कोई मिसयूज तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, वैसे भी आप एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। आप जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। थैंक यू मिस्टर स्माइल। ओके सर। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। यस सर। उसे जहाँ से उठाया है वहीं छोड़ दो। यस सर। बी केयरफुल। ओके सर। उठाओ रे इसको। चल चल चल, मुझे वापस कहाँ उठा रहे हो? चल चल। चल नीचे उतार। हेलो, मैं गुरुमूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। आज के अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या है? आपने जो बोला था वही सर, सबसे बड़ा गुंडा केदार किसी अनजान लोगों के हाथों मारा गया। अरे क्या हुआ गुरुमूर्ति, इतनी रात को आए हो? सर, एक बिल्कुल गलत न्यूज अपनी अखबार में छप गई है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई सर। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो तुम? सर मेरी पूरी बात तो सुनिए सर, ड्यूटी खत्म करके मैं घर जा रहा था, रास्ते में 4 लोगों ने मेरे गले पर
चाकू रख के मुझे किडनैप कर लिया और गोडाउन में ले जाकर हेडलाइन छापने के लिए मुझे टॉर्चर किया। मैंने न्यूज छापने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था सर, फिर भी ये खबर छप गई। डैम इट, तुम्हें किडनैप किया, टॉर्चर किया और तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई। किससे पैसे लिए, कितने लिए, किसके लिए कर रहे हो ये काम, बोलो सर। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, उनका इरादा हमारे न्यूज़पेपर को बदनाम करने का है सर। बिलीव मी सर, मेरा भरोसा कीजिए। कोई आपको अच्छी तरह से जानता है, वही ये सब कर रहा है सर। अभी मैं उसको कैसे ढूंढूं? सर बोलिए सर। तू क्या करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, अभी तू आधे घंटे के अंदर उस केदार को लेकर तू मुझसे मिलने आएगा। सर वो क्या है कि वो ए, उसको क्या जरूरी काम आ गया, मेरा जेडी के साथ जमता नहीं है, पता है ना। ए, बड़े लोग हैं तुझे पता है ना, उनका काम है कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। केदार। क्यों सर, बहुत दिनों के बाद बात करने के लिए बुलाए, क्या बात है, बोलिए, कुछ भी होगा बोलिए, कर दूंगा। गुड। मेरा पेपर पूरे तमिलनाडु में नंबर वन पेपर है, तुम्हें पता है ना। वो क्या है ना, मेरा नाम खराब करने के लिए किसी ने गलत समाचार प्रिंट करने के लिए दे दिया है। कौन है सर, बोलिए, मार दूं क्या? अभी उसे ढूंढने से अच्छा डिस्ट्रीब्यूट होने वाले न्यूज पेपर में छपी हुई खबर को सच करना है। यस, न्यूज क्या है पता है, सबसे बड़ा गुंडा केदार किन्हीं अनजान लोगों के हाथों मारा गया। क्या बोल रहे हैं सर? केदार, मेरा प्रेस कैसे भी पहले नंबर पे ही होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें ऊपर जाना ही पड़ेगा। सर, सर, गोली मत मारिए सर, गोली मत मारिए। तुझे क्या लगा कि मैं ऐसा बोलूंगा? जेडी, तूने मुझे बुलाया तभी मैं समझ गया था तू कोई गड़बड़ जरूर करेगा। गेम करने वाले के साथ तू गेम करना चाहता है, तो मुझे अभी गोली मारेगा, उसके 10 मिनट के अंदर ही तेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, समझ गया ना? तेरे घर के चारों तरफ मैंने बम फिट कर दिया है। क्या केदार, तुझे लगता है ये दिवाली का पटाखा छोड़ने वाली बंदूक है क्या? ऐसी बात करके बच जाएगा। तू ऐसी बात करेगा पता था, इसीलिए मैं तुझे अभी एक सैंपल दिखाता हूं। वन, तू मुझे डरा रहा है क्या? तेरी तो जेडी, मुझसे ज्यादा और पेपर से ज्यादा तेरी फैमिली की जरूरत है तुझे, चल जा, 10 मिनट का टाइम है तेरे पास, ला दे, दे मुझे। सर हम लोग यहां से निकलते हैं। हाँ? निकलते हैं सर। हाँ। हेलो, तुम्हारे घर पर बॉम्ब था, उसे डिफ्यूज कर दिया, फैमिली की चिंता छोड़ो, पहले केदार को पकड़ो। अरे सर, कौन हो तुम, कौन हो? कौन है सर? हेलो, कौन सर, क्या हुआ सर? इसी, तू चल मेरे साथ। आ ए, ए, रुक, ए, रुक रे, रुक रुक रे, ए, रुक रुक जा, ए, रुक। ए, ए, हमारा पहला प्लान इतनी आसानी से कामयाब हो गया, इसके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें अलर्ट रहना होगा। सर, जेडी के घर पे लगाए हुए बॉम्ब को अगर आप डिफ्यूज नहीं करते तो केदार भाग जाता।
जेडी को ऐसा उंगली करके केदार बाहर आएगा ये आपको कैसे पता था? एक्यूस्ट के बारे में जितना पुलिस जानती है उससे कहीं ज्यादा एक प्रेस वाला जानता है। हमारे केस के हिसाब से जेडी का और केदार का रियल एस्टेट को लेकर झगड़ा चल रहा था। केदार के पहचान के पुलिस वाले और नेता उसे ढूंढने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। जेडी के बारे में सब जानते हैं कि वो अपने दुश्मनों को मिटा देता है। उन दोनों का ये लफड़ा एक बॉम्ब की तरह था, उस पर कोई भी पैर रखता तो फटता। तो हम लोगों ने फोड़ दिया। सर जेडी को पता चलेगा तो वो हमें छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। केदार के बारे में अगर अखबार में न्यूज दी गई तो वो किसी भी तरह पता कर लेगा कि उसके मरने तक हमने उसे फॉलो किया था। हमें उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी, लेकिन कहीं किसी को हम पर शक ना हो जाए इसके लिए छुपकर रहना होगा। दोबारा कब और कहां मिलना है ये मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। मेरे हम उम्र के सभी साथियों के पास एक आशा होती है, एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है। वो हमारे पास भी है। उस दिन जो दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद समुद्र की लहरों की तरह मेरी जिंदगी भी पलट गई जब उन दंगाइयों को उनकी करने की सजा नहीं मिली। आज जिन हाथों को कॉलेज की बुक पकड़नी चाहिए थी, उन हाथों ने आज तलवार और चाकू पकड़ रखे हैं। कुछ दिनों पहले मदुरई में हुए दंगा फसाद में संदेहजनक लोगों को गिरफ्तार किया गया। केदार, पट्टे परमन, हाउसिंग बोर्ड रवि, इन तीनों को ये कोर्ट हमेशा के लिए बाइज्जत बरी करती है। रवि भूषण और आपकी बहुत जमती है और ये दंगा फसाद आप लोगों ने उनके लिए किए हैं, क्या ये बात सच है? हम तीनों का इतना आगे बढ़ना मेरे मामा रवि भूषण की मेहरबानी है। हम लोग उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इस दंगे से मेरे मामा का कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर हम लोग इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? ये कोई उनके ना चाहने वाले पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। सर मदुरई में हुए ये दंगा फसाद में आप लोगों पर डाला हुआ केस है? भाई जब मदुरई में दंगा फसाद हुआ था तो मैं मदुरई में नहीं था, चेन्नई में था। इस केस से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। न्याय, सत्य और अहिंसा इसका दूसरा भाग है। मेरे मामा, उनके रहते हुए तो हम लोगों को किसी भी चीज का डर नहीं है। सर पटाखे फोड़कर खुशी जताने का मतलब बता पाएंगे? हाँ भाई, बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए नहीं, भाई के आदमी कुछ गलत नहीं करते, ये प्रूफ करने के लिए। सर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इस केस से पूरी तरह बरी हो गए हैं? सर इस केस में आपकी किसने मदद की? सर आप लोग पहले रिलीज हो जाओगे ये आप लोगों को पता था क्या? चलो चलो, नहीं सर, बहुत हो गया, चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। सुनिए, खुश हो ना तुम लोग? हम लोग बहुत खुश हैं भाई। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इतने बड़े केस से इतनी आसानी से आपने हमें बाहर निकाल दिया। ये रवि भूषण नाम का व्यक्ति कौन है? पूरे स्टेट को बता दिया मामा। ए चुप कर, ये तो मेरा फर्ज है। तुम सब कौन हो? सब मेरे बच्चे। तुम्हें अंदर करके मैं शांति से कैसे रह सकता हूँ? पता है भाई, आप पैसे की वैल्यू नहीं रखते। 10 करोड़ खर्च हुए तो क्या हुआ? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त तुम सब मेरे सामने खड़े हो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपके लिए ये सब किया इसलिए आपको अच्छा लगा मामा? आप सिर्फ हाँ बोल के देखिए, 4 तो क्या, 40 को मार दिखाऊंगा। ना ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मामा, आप ऐसा बोल रहे हैं? हम लोगों ने इस बार किस पर हाथ डाला है? कॉलेज स्टूडेंट्स पर। ये ऐसी आग है जो एक बार जलती तो बुझती नहीं। हाँ, अपराधियों को पुलिस वाले मुर्दाबाद। अपराधियों को कैद करो पुलिस वाले मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोर्ट वालों मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अपराधियों को कैद करो कैद करो पुलिस वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कौन है रही? मेरा नाम दया है। आप लोग जिस तरह दुखी होकर बैठे हो, ठीक उसी तरह से मेरे अंदर भी दुख भरा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे माँ बाप को मार दिया था। आप लोगों के साथ मैं भी शामिल हूँ। आप लोग क्या बोलते हो? ठीक है, चल। ठीक है भाई, आप क्यों परेशान हो? पर नीचे तो होता है। अरे मैं सब देख लूंगा भाई, मेरा हिस्सा भेज दिया है ना, मैं सब देख लूंगा। अरे बोला ना, परेशान मत हो भाई। हाँ हाँ ठीक है। कौन हो तुम लोग? हम लोग शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं क्या करूं? कल कोर्ट में गवाह नहीं है बोल के 3 एक्यूज को छुड़ा दिया ना,
उन लोगों को वापस अंदर करो। जिस कोर्ट ने उनको छोड़ा है उस कोर्ट को जाके बोलो, हाल तुम इधर आके काहे मचमच करने का। हम क्यों और किस लिए उधर जाएं? इस केस की एफआईआर यहीं लिखी है ना, इसलिए यहीं आए हैं। अब तुम्हें जिधर लेकर जाना है उधर लेकर चलो। बकर बकर मत कर रहे, तेरे साथ भी गलत होगा। क्या गलत करोगे? तुम्हें क्या लग रहा है हम चार ही लोग हैं? बाहर देख 4000 खड़े हैं। ए, डराता है मेरे को? सर डरा नहीं रहे, वो ऑन कर रहे हैं। ए, तुम लोग स्टूडेंट हो इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो अंदर करके बैंड बजा दूंगा। मेरे को वो ऑन करने आया तू यहाँ पे? सर शर्ट से अपना हाथ हटा के बात करो, पहले शर्ट से हाथ हटाओ। नहीं हटा तो क्या करेगा? पहले शर्ट से हाथ हटा के बात करो। हाथ हटाओ सर, बोला ना हाथ हटाओ। नहीं हटा तो क्या करेगा रे? नहीं हटाएगा तो हम हटाएंगे। तू हटाएगा? इनको एक गिलास पानी में मत देना, तब पता चलेगा पुलिस वाले कौन है। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू। क्या हो गया? इमरजेंसी करके आपने फोन किया था, बोलिए क्या बात है। हाँ सर, एक इमरजेंसी थी। मदुराई दंगा फसाद केस में जिन तीन लोगों को जमानत मिली थी वो बाहर निकल गए हैं। उन तीनों को वापस अरेस्ट करने के लिए शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं सर, और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसे छोड़िए मैडम, चार दिन वो लोग ऐसे ही करेंगे, उसके बाद ठंडे हो जाएंगे। नो सर, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग ठंडे बैठने वाले हैं। दे आर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जब एक साथ हो जाते हैं ना तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या करें? इससे पहले कि वो लोग कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसके लिए हमारे पास एक हथियार है, हमारे सीनियर कमिश्नर। तो जल्द से जल्द उसे अपॉइंट कीजिए। सर एक पर्टिकुलर केस के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कोर्ट ने इन अक्यूज्ड को जमानत दी है, तो उसी रूट में हम लोग गए तो गलत हो जाएगा सर। तो दूसरा क्या करने बोल रही हो? वो लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए एक टॉप पुलिस ऑफिसर इस केस को हैंडल करे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप ही चूज कीजिए किसे अपॉइंट करना है। सर माय सजेशन इज मिस्टर विजय कुमार, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, अभी वो दिल्ली में है। तो पुलिस कमिश्नर को जल्दी बुलाकर उसे सौंप दीजिए। ओके सर, विल डू। आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने वाला पर्सन कोई साधारण इंसान नहीं है। ही इज एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड वेरी फोर्थराइट। ही इज वन मैन आर्मी, इन फैक्ट राइटली नेम्ड मिस्टर विजय कुमार। आइए मिस्टर विजय कुमार। मुझ पर इतना भरोसा करके ये केस मुझे हैंडल करने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मैडम। वेल, ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता मिस्टर विजय कुमार। प्लीज टेक दिस फाइल, एंड दिस इज मिस्टर आनंद सर, मिस्टर किरण कुमार सर, मिस्टर किशोर सर, एंड मिस्टर जॉन सर। इस केस में यही चार लोग आपकी मदद करेंगे। ऑल द बेस्ट मिस्टर विजय कुमार। थैंक यू मैडम। हाउसिंग बोर्ड रवि, अच्छा नाम है। तू क्या सोचता है इतने सारे पुलिस वाले यहां क्यों खड़े हैं? ये सब तुझसे पैसे लेने वाली पुलिस नहीं है। तू डराएगा तो ये डरेंगे नहीं। तेरी बात मानने वाले इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, और ऐसा है जो तुझसे रिश्वत खाते हैं पुलिस स्टेशन में, ऐसे दो ही लोग होते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले 20 पुलिस वाले होते हैं। ओके, तो इसका एनकाउंटर कौन करना चाहता है? मैं करूंगा सर। सर मैं करूंगा सर। सर मैं करूंगा सर। सर मैं करूंगा सर। मैं करूंगा सर। मिस्टर विजय तुम मुझे डरा रहे हो क्या? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरा मामा कौन है पता है? रवि भूषण। ए, कौन सा रवि भूषण? क्या पागलों की तरह अनाप शनाप बातें कर रहा है? कान के नीचे दूंगा ना एक। कौन है ये रवि भूषण? आसमान से टपका कोई फरिश्ता है क्या? एक एक चाय के लिए भीख मांगता था वो, दो दो पैसे के लिए डराता धमकाता था। बहुत बड़ा आदमी हो गया क्या? ए सुन,
इज्जत से कहता हूँ इंक्वायरी में साथ दे दे, तेरे लिए भी अच्छा होगा और तेरे मामा के लिए भी। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मैं मेरे लॉयर को बुलाता हूँ, उससे बात कर लेना। तू लॉयर को बुलाएगा, कोर्ट जाएगा और हम तेरे पीछे पीछे घूमते रहेंगे हैं? ओहो, तुम्हें दिया हुआ टाइम तो खत्म हो गया। अब क्या करें? एक काम करते हैं, तू मदुराई क्यों गया था, किस लिए गया था, वहां जाके तूने क्या क्या किया, वो सारी की सारी फुल डिटेल तू मुझे बताएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें एनकाउंटर करके यहीं पर टपका देंगे। हाँ। अब तू ही सोच के बता दे कि हमें क्या करना है, ठीक है? चल बाय। मेरा नाम हाउसिंग बोर्ड रवि है, रवि भूषण का भांजा। मेरा मामा इलेक्शन में जीते हुए एमएलए को उसने मार दिया, इसलिए पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए। उनको छुड़ाने के लिए और उनका पावर दिखाने के लिए मैं, केदार और परमन, हम तीनों ने मिलकर मदुराई में दंगा मचाया और उस दंगे में बहुत सारे लोग मर गए और एक स्कूल बस को हमने जला दिया। बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ और इस सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम तीनों ने ही प्लान करके वो दंगा मचाया। मुझे यहां देखकर शॉक्ड हो गए। तुम्हारे पास ब्रॉथल का फोन आया था ना? मैंने ही किया था। क्यों सर, जब तुम्हारे पास मिनिस्टर के घर में बंदोबस्त करने के लिए फोन आता है तब तो गायब हो जाते हो, लेकिन ब्रॉथल फोन करता है तो फौरन पहुंच जाते हो। यही टेस्ट करना था, तुम पास हो गए। अब क्यों ना इंक्वायरी चालू की जाए। आपको पता है ना, मदुराई में अभी एक दंगा हुआ था, उस केस के एक्यूज्ड के बारे में आप कुछ जानते हैं सर? जानता हूं सर। वो कैसे रिलीज हुआ? सर शायद आपको पता नहीं है, उस केस के गवाह ही नहीं है। हाँ, कोई गवाह नहीं है, तब तो मदुरई के कोर्ट में उसकी जमानत हो जानी चाहिए थी ना, चेन्नई के कोर्ट में क्यों आए? सर वो क्या है कि मदुरई से केस की फाइल चेंज कैसे की? फाइल मेरे पास थी सर। उन लोगों से तूने कितने पैसे लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ए, मार डालूंगा। इस केस की फाइल में केस नंबर नहीं लिखा हुआ है और उसमें से एक पेपर फाड़ा भी गया है, इसमें तू भी शामिल है। देख, अब भी तेरे पास 24 घंटे हैं, अपना फोन स्विच ऑफ मत करना। यस सर। जब बुलाऊं तब आ जाना, ये ब्रादल के फोन का ड्रामा मैं बार बार नहीं करूंगा। अब जा। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है सर, 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म करोगे मैं तुम्हें 5 नहीं 10 करोड़ दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। ये आपने क्या कह दिया सर, पूरे शहर में किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको मेरा नाम बता देगा। पूरे शहर में जितने भी छोटे बड़े पुलिस स्टेशन हैं, हर जगह आपको मेरे नाम का केस दर्ज मिलेगा। रवि भूषण का नाम तो आप जानते ही होंगे, उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों मैं ही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी मदुराई में जो दंगा हुआ था ना, वो भाई के लिए हमने ही कराए थे, उसमें मैंने कितनी जाने ली थी पता है? क्या सर आपको भरोसा नहीं है? आपको भरोसे में लाने के लिए मेरे पास बहुत कहानी है, बताऊं क्या? आपको मैंने इतनी सारी बातें बता दी फिर भी आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ करके ही दिखाना होगा, तभी आप मेरे ऊपर भरोसा करेंगे। ठीक है, अभी आपको कोई ना कोई घटना करके दिखाता हूँ, तब आपको पूरी तरह मेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा। सर, इसने जो भी बोला रिकॉर्ड कर लिया? यस सर। ए, ये क्या किया? नहीं, 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 रुक रुक रुक, जल्दी क्या है, धोखेबाजी चीटिंग करके जब तू इतना इंटेलिजेंट हो सकता है तो आईपीएस की पढ़ाई करके पुलिस ऑफिसर बनने वाले हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ? और हाँ, क्या कहा था कि हर थाने में तुम्हारे नाम पर केस दर्ज है, ये क्या ग्रीस बुक में दर्ज होने वाला कोई शानदार कारनामा है? तुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है तुझे। अभी तुझे कुछ नहीं करूंगा, इंक्वायरी खत्म होने के बाद देखूंगा। कम ऑन, खाओ बेटा, अच्छे से खाओ, ठीक है? क्या हुआ बेटा, तुम भी खाओ। क्या हुआ, तुम भी खाओ ना, क्यों धीरे धीरे खा रही हो? अच्छा खाना है, मजे लेकर खाओ, अच्छे से खाओ, फटाफट खाओ। क्या हुआ? ए, मार दे उसे, सोच क्या रहा है। चल ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, फोन रख। सुनो, बच्चों को अच्छे से खिलाओ, जल्दी खा। खा क्यों नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको, तू खा।
ए, कहां गई मेरी फैमिली? मुझे क्या पता? तो यहां क्यों बैठा है? ए, मेरी फैमिली कहां गई? मुझे नहीं पता सर। क्या देख रहा था तू? मैंने देखा ही नहीं। जा यहां से। नमस्कार भाई, तुम्हारे मोबाइल फोन के सिग्नल को कट कर दिया गया है। तुम्हारी फैमिली को किडनैप कर लिया। ए, ए, कौन हो तुम? हाँ, विजय कुमार, सीनियर पुलिस ऑफिसर। शांति से बैठोगे तो इंक्वायरी यहीं खत्म हो जाएगी। ए, कहाँ है मेरी फैमिली? कहाँ है मेरी फैमिली? कहाँ गए वो लोग? क्या हुआ? 10 मिनट के लिए तेरी फैमिली गायब हुई तो इतना डर लग रहा है? मदुरई के कितने लोगों की जान ली है तूने? कभी सोचा है उनके बीवी बच्चों पर क्या गुजरी होगी? हाथ में चाकू आता ही बहुत बड़ा बन जाता है, घोड़ा दबाया तो भेजा उड़ जाएगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक मिनट में फैमिली रोड पर आ जाएगी। आपके इन्वेस्टिगेशन में मैं साथ दूंगा सर। तुम लोगों के नाम? दंगे के समय तुम्हारे साथ कौन कौन था? तुम लोग कहां से आए हो? जिसने बुलाया उन्हें पहचानते हो? बताओ। ए, कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देते? जल्दी बताओ। हम लोग जो बोल रहे वो किसी के सुनने में नहीं आ रहा, तो हम आपके सवाल का जवाब क्यों दे? बहुत बार हम कितने लोगों से बोल चुके हैं। बार बार बोलने के लिए ये कोई स्कूल की पोयम नहीं है, ये हमारी लाइफ है। हमारे 4 साथियों को खोकर बैठे हैं हम। अब हमारे बोलने पर उन 4 को वापस लाओगे क्या? आपके डिपार्टमेंट को नहीं पता क्या दंगा किसने करवाया है और क्यों? हम गवाही देने गए थे तो हमें भी अरेस्ट कर लिया सर। अभी हमारे बोलने पर आप भी वही करने वाले हो, कर लो सर। सर जी, के डिपार्टमेंट से जो नहीं होगा ना वो हम करके दिखाएंगे। चुप रहो, जो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं हो सकता वो तुम लोग करोगे? बहुत बड़े हो गए हो। अभी तुम लोगों ने जो बातें की हैं उनके आधार पर केस बनाकर अंदर कर सकता हूं तुम्हें, लेकिन मैं उन पुलिस ऑफिसर्स में से नहीं हूं जो लोग तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकते। मरने वालों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था और तुम लोगों ने यह सब दोस्ती की खातिर किया है, ये मैं पहले ही पता कर चुका था। तुम्हारे दोस्तों के बारे में भी मैंने पता कर लिया था। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, दोस्त समझ सकते हो। अभी मैं तुम लोगों को जेल से बाहर निकालकर इंक्वायरी कर रहा हूं। इस बात को लेकर अपने मन में कोई गलत फहमी मत रखना। चंद करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को देखकर डिपार्टमेंट के सभी लोगों को गलत समझना अच्छी बात नहीं है। हमारे बीच कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे भी। इसके बाद भी अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो बताता हूं सर। हम शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं सर। इसका बाइक एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हम घर ही जा रहे थे तभी हम दंगे फसाद में फंस गए। वहां से हम निकल नहीं पाए तभी मेरे आंखों के सामने मेरे दोस्तों को जिंदा जला दिया। ये सब हुआ था। ये उसकी माँ है जो दंगे में मर गई। ये ऑफिसर यहाँ उस केस की इंक्वायरी के लिए आए हैं। अरे साहब जी, साहब जी मैं क्या करूं? साहब जी एक ही लड़की थी मेरी, मेरी एक ही बेटी थी, पूरी तरह मार दिया उसको। मेरा कोक जल रहा है साहब जी। साहब जी मेरी लड़की तो मर गई, मेरा कोक तो उजड़ गया, लेकिन उसको फांसी जरूर दिलवाई है। जरूर दिलवाऊंगा। मैं बसंती की बहन हूँ, वो हमारे घर की सबसे छोटी बेटी थी, सबके साथ मिलजुल के रहती थी, हम सबके लिए बहुत प्यारी थी, हम सबको पसंद करती थी और हम लोग भी उसे, उसकी वजह से घर में खुशियां ही खुशियां थी। हमें वो नहीं रहे तो पूरा घर शमशान हो गया। भगवान। सर मैं गुरु सहाय, शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल। अच्छा सर, आपके कॉलेज में 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई और वो सबके सब गोल्ड मेडलिस्ट थे, आपने इसके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया सर? लिया था ना सर, ये देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में कंप्लेंट देनी थी उन सब डिपार्टमेंट्स में दे दी, जिस जिसको दिखाना था सबको दिखा दिया। पर क्या फायदा हुआ सर, हमारे स्टूडेंट्स ने हड़ताल नहीं की होती तो गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया होता और ना ही आप यहां आते। आपके बारे में मुझे बहुत जानकारी है सर, हम लोगों के कष्ट का अंत हो जाएगा, उन लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए सर। जहां आप चाहेंगे वहां मैं इंक्वायरी के लिए आऊंगा।
आप कितने सालों से मदुरई में इंस्पेक्टर हैं? 10 साल से सर। 10 साल से? जो दंगा हुआ था उस एरिया के इंचार्ज आप ही हैं ना? जी सर। दंगे की जगह और पुलिस स्टेशन के बीच कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर सर। तो सिर्फ 2 किलोमीटर? जी सर। आप कहते हैं सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और फिर भी दंगे की जगह पे कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा? ऐसा नहीं है सर, खबर मिलते ही हम स्पॉट पे पहुंच गए थे सर। हमारे पहले सब खत्म हो चुका था सर, तो इसके लिए हम क्या कर सकते थे? अब कोई घटना होने वाली है ये बात तो हमें पता नहीं चलती, अब इसके लिए पुलिस वाले काला जादू थोड़े करेंगे सर, डिपार्टमेंट में जादूगर भर्ती करने पड़ेंगे। ए, पहले कैप पहनो। सर, जिस समय दंगा चल रहा था उस समय पुलिस स्टेशन पर 120 कॉल आए थे स्पॉट से, पूरे 120 कॉल आए थे जो तुमने अटेंड नहीं की। जिस समय उन लोगों ने फोन किया था उस समय कितने टेंशन में रहे होंगे, उन्होंने किसी दोस्त को या फैमिली को फोन नहीं किया, पुलिस वालों को फोन किया उन्होंने। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पुलिस उन्हें बचा लेगी। सबका भरोसा तोड़ दिया। तुम लोग ऐसा करोगे तो ये जनता कहां जाएगी? ए सुनो, दंगे के बाद पहले दिन जिन गुंडों को अरेस्ट किया गया था उनकी लिस्ट, और जो गुंडे बाहर से आकर यहां ठहरे थे उनकी भी पूरी लिस्ट, और वो लोग किस किस जगह पर ठहरे थे इसकी भी पूरी डिटेल मुझे चाहिए।